आपस की बातें समझ लें। ये अगर हमारे शिव सहायक करेंगे 11 रुपए देंगे, शुक्रिया। शिव सागर भाटिया जी आ गए जो कि खकैया से चलकर आए हैं। ये हमारे शिव सागर भैया की तरफ से 21 रुपए का पुरस्कार, अभी भी जो भोजपुरी गीत मैंने गाया उस पर खुश होकर मान लिया पर्सनल में 21 रुपए का पुरस्कार किए हैं। क्या कह रहे हैं साहब? भैया को बहुत बहुत धन्यवाद। कहन जोड़ी एक नंबर के बाद, जोड़ी नहीं भाई घोड़ी बपूरी, एक हमार मिली साइज का हम घोड़े दिखा दिए, हमका दू ठींटा लगाओ पर तब बराबर हो। अरे ऐसी अच्छा सिद्धि ना बनवाए ले, सिद्धि लगवाए रहे तब जब उड़ जी आए रहे तब एक दाई ऊँटे के ऊपर सीढ़ी लगा चढ़त रहे बाबू हमार सीढ़ी न टाली है। अच्छा वही पीछे न टाले कैसे लटका रहे हैं बाने लगे ना ही। हाँ देखा तू आएगी यहाँ डांस दिखाऊ, अब बढ़िया बढ़िया गाना सुनावा। क्यों नहीं, समय को देखते हुए काम करना चाहिए। है, है, है ना तो करो। चलो लेकिन कैसे कैसे कुमार सरो साहब जो कि सुजानगंज दीपकपुर यूनिवर्सिटी, आप 11 रुपया पुरस्कार दे रहे गीत पर, शुक्रिया। Yeah.
ये आ गए हमारे राज सरोज, क्या कह रहे साहब, जो कि बाभनपुर से आप चलकर आए हैं, जो कि जेसीबी के ऑपरेटर हैं। आए हाय हाय हाय, अरे तो बता दे का हम कौनो जेसीबी का मही, हम खुदे खोद के बाहर गए हैं, बस तू केवल गेर अपन पकड़ावा बस, न पकड़ 21 रुपए का पुरस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ देखिए भाई, बड़े भैया कहना बा कि हम लोग शांति बनाकर मनोरंजन खूब लें, लेकिन माटी ओटी जी फेंका भाई, उनका कहना है कि अपने द्वारे गुंडई करब ठीक ना ही ना। हाँ हाँ भैया कहा था, इसलिए आप लोग शांत हो करके नाच नौटंकी देखेंगे, बहुत मजा आएगा, लेकिन आप लोग शांति बनाएंगे तो शुक्रिया। दोस्त तो इस जमाने को क्या हो गया, दोस्त तो इस जमाने को क्या हो गया, हमने दे हाथ क्या हो गया, एक नजर यहां गए हमें श्री राम कैलाश सरोज, श्री राम कैलाश सरोज की मामी के देहांत हुआ भैया, उनके आत्मा की शांति के लिए आप 11 रुपये दे रहे हैं, हमारी कमेटी हमारी पार्टी हार्दिक शुक्रिया अदा करते हैं। कैसे कैसे बतावा दिए, जैसे हमारे से यहाँ गाड़ी चला लगे का करे,
भाई छाए हुए नाम है श्री रूपेश कुमार साहब। रूपेश कुमार सरोजी जो कि जौनपुर दीपकपुर की निवासी, इक्कीस पे पुरस्कार आपके कलम पर आपके गीत पर आपके लिए स्पेशल दे रहे हैं, हमारी पार्टी हार्दिक शुक्रिया अदा करती है। तुम्हारे समय समाप्त हो जाओ, आप लोग के बीच में ज्योति रानी का आगमन होगा, लेकिन उनके आने से पहले आप लोग गौर कीजिएगा कि आज की रात आप लोग के बीच में ड्रामा कौन सा दिखाया जाएगा।